Anti pollution and fuel saving for all automotive. Save fuel up to 20%, pollution 50 to 70%. Wait for Pan India launch. Are Mata ki! Are Mata ki! मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप दो तस्वीरों से समझिए। आपको बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से डर क्यों लग रहा है? आखिर बीजेपी को ये नकारात्मक राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, ये धार्मिक एक यात्रा जो हम पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा पर ट्रेन उपलब्ध न होने के चलते IRCTC ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन वो इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। तो वहीं बादली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव अपने निजी खर्चे पर पिछले करीब 6 साल से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाते आ रहे हैं, और मंगलवार को भी उन्होंने करीब 500 यात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए झंडा दिखाया। कॉस्मेटिक सर्जरी करके कुछ चीजें स्कूल को और हॉस्पिटल को ठीक करने से सुविधाएं नहीं बढ़ने वाली। आज टीचर्स की हालत खराब है कि कोई नया टीचर पिछले 5 सालों में लिया नहीं। 1,30,000 बच्चे कम हो गए। बसों की बात करते हैं, 6,500 से 3,000 रह गई। तो ये सिर्फ दिखाना और करना, वो जमीन आसमान का फर्क है। मन चंगा कठौती में गंगा कहावत का प्रयोग केजरीवाल सरकार पर इसलिए फिट बैठता है कि कुछ लोगों को तीर्थ कराने के बाद अब वो घर बैठे गंगा स्नान कर रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा प्लान करने के बाद अगर आप समस्याओं से निपटना या समस्याओं के लिए पहले से तैयार रहना नहीं जानते, तो क्या आपका प्रण सिर्फ दिखावे के लिए था? साहब, ऐसा ही लगता है। खैर, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भी अचानक से बसों की संख्या 1-2 से बढ़ाकर 7 कर दी है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। केजरीवाल सरकार ने तीर्थ करवा दिया, अब बारी भाजपा की लगती है, क्योंकि राजनीति किसी भी तरह से दुआएं बटोरने में पीछे नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।